फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पैंट एंड शेरवानी, मोदी जैकेट, ब्रांडेड रेमंड, अरविंद एंड जे हेम्स्टेड, रेड एंड टेलर शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर पोलिस स्टेशन मालेगाव। आज मालेगांव शहर के अंदर शीरपुर से आने वाला रथ गुजरने वाला है, जिसके चलते मालेगांव शहर में पुलिस डिपार्टमेंट का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है, जिसकी कुछ झलक या हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप वो भी जरूर देखिए। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जाबिश और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। आज हम लोग मालेगांव शहर का ओल्ड आगरा रोड यानी कि जूना आगरा रोड पर खड़े हुए हैं, जहां से आज शीरपुर से निकलने वाला रथ और गढ़ पर जाने वाले यात्रियों का एक बड़े संख्या के अंदर यहां से यात्री जो कलवन की ओर जाते हैं, जहां पर एक देवी का मंदिर है, उस गढ़ पर जाते हैं और हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु यहां से मालेगांव शहर से कई सालों से वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मालेगांव शहर में इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की है कि मालेगांव शहर का वातावरण खराब किया जा सके और जिसकी दिशा पूरे महाराष्ट्र में दिखाई जा सके। लेकिन हम आपको यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मालेगांव शहर के जो लोग हैं वो कितने मयालु हैं और वो धर्म का कितना पालन करते हैं। तुम कितना ही इस देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करो, कितना ही इस देश की सभ्यता को खराब करने की कोशिश करो, लेकिन अच्छे लोग अपनी अच्छाई से हमेशा इस देश को संवारने और सजाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ में एक मौसी है, हम उनसे बात करेंगे। मौसी, कहाँ से आ रहे हैं आप? दुलिया से। पूरा घर पैदल जाने वाले आप? नहीं, गाड़ी, मोटर गाड़ी पे जाने वाले? अच्छा, मालेगांव से जब ये यात्री गुजरते हैं तो क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है। ऐसा कोई डर या खौफ का माहौल कुछ भी नहीं? किधर भी सोते, किधर भी उठते, कोई सुविधाएं कैसी आपको मिलती है? एकदम मस्त, बढ़िया बढ़िया मिलती है। मालेगांव एक मुस्लिम कम्युनिटी का शहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह जगह आपके लिए पानी का एकदम व्यवस्था है। व्यवस्था है, सब ख्याल करती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रंजना मौसी। ये थी हमारे साथ में रंजना मौसी, जो धुलिया से गढ़ के लिए मतलब जाती है। उनका कहना यह है कि मालेगांव शहर से जब हम जाते हैं तो हमें एक अच्छा महसूस होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, सारी चीजों की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये यात्री मतलब जो आ रहे हैं, और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय की ओर से पानी का बंदोबस्त किया गया है, पानी के स्टॉल लगाए गए हैं जिससे यात्रियों को पानी मिल सके, क्योंकि पैदल सफर कई किलोमीटर का पैदल सफर करते हैं। और ये देश की एक सभ्यता रही है, ये देश की एक पहचान रही है कि यह राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का देश है, ये अशफाक उल्ला खान के सपनों का देश है, ये भगत सिंह के सपनों का देश है। और ये देश हमारे अंदर एक कौमी एकता पैदा करता है, जिसकी मिसाल हम आपको यहाँ इस पानी के स्टॉल से दिखा सकते हैं कि जा रहे हैं गढ़ पर हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई, और पानी का इंतजाम कर रहे हैं मुस्लिम भाई। ये हमारे देश की एकता है, हमारे देश की पहचान है। भले ही हमारे देश की शांतता को भंग करना चाहते हैं, लेकिन 80% लोग हमारे देश की एकता को बनाना चाहते हैं, उसकी अखंडता को बनाना चाहते हैं, उसकी जीती जाती मिसाल हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं। ये हमारा भाईचारा, ये हमारा देश है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का देश है। मालेगांव शहर से यात्रा गुजर रही है, आज शाम में शीरपुर से आने वाला जो देवी का रथ है वो रथ भी यहाँ से जाने वाला है और शांतिपूर्वक जाए, इसके लिए डिपार्टमेंट की काफी कोशिशें हैं। और जो समाज में अच्छे लोग होते हैं वो समाज को बनाए रखने और समाज को सवारे रखने के लिए भी काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं, पूरी तैयारियां की गई है, मुकम्मल जगह जगहों पर जो जो तकलीफें यात्रियों को होने चाहिए थी वो तकलीफें उन्हें दूर कर दी है, और उनकी सुविधाएं के लिए
कुशादा रास्ते और बड़े रास्तों का इंतजाम भी किया गया है। और वहीं आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय की ओर से जगह जगहों पर पानी का स्टॉल लगाया गया है। हम शाम तक आपको कवरेज दिखाते रहेंगे और ये मैसेज देते रहेंगे कि इस देश को बनाए रखने में हम सबका साथ, हम सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि ये देश राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का देश है, ये देश अशफाक उल्ला खान के सपनों का देश है, तो ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, डॉक्टर बाबा साहब के सपनों का देश है। हम आपको कवरेज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ, जय हिंद।